मुरादाबाद में पूर्वांचल वासी समिति द्वारा सरस्वती पूजा कार्यक्रम शहर के लाइन पार स्थित रामलीला मैदान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सुबह के सत्र में 108 हवन कुंड के माध्यम से पूजा की गई, साथ ही शाम के सत्र में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान बॉलीवुड सिंगर कल्पना पटवारी ने पहुंचकर अपनी आवाज के जादू से सभी को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडलायुक्त आंजनेय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और सभी आयोजकों को इस बेहतर आयोजन के लिए बधाई भी दी। कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर कल्पना पटवारी ने अपनी आवाज के माध्यम से सभी को दीवाना कर दिया और काफी देर तक दर्शक कल्पना पटवारी के कार्यक्रम को देखने के लिए बैठे रहे। जाया तू जाया शुभ ज्ञान माई, जाया तू जाया शुभ ज्ञान माई जग। कार्यक्रम में पूर्वांचल वासी समिति के अध्यक्ष विवेक ठाकुर ने सभी का आभार व्यक्त किया और इस सफल आयोजन के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। पूर्वांचल वासी संस्था के मेरे सभी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, टीम के मेंबर्स हैं, संरक्षक मंडल हैं, मैं आप लोग सभी को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग हैं, मैं तो बस चेहरा हूँ, आप लोग हैं, सबने मिलकर काम किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ही दिन का कार्यक्रम था, लेकिन इसकी जो धमक है, इसकी जो गूंज है, मुझे लगता है मुरादाबाद में आने वाले कई दिनों तक होती रहेगी और ये हम सबकी सफलता है। पूर्वांचल में के इतने परिवार रहते हैं यहाँ पे, 20-25 हज़ार परिवार कल्पना जी यहाँ पे रहते हैं और उन सबको एक सांस्कृतिक आज पहचान मिली है कल्पना जी के आने से। और सभी लोगों का धन्यवाद, विशेष तौर पर धन्यवाद अमित दुबे जी का, जो कहीं कोई क्रेडिट नहीं लेते हैं, मंच पर भी नहीं आना चाहते हैं, पीछे जो हैं वो अपने काम में लगे रहते हैं, सचिव जी, और सभी प्रशासन में बहुत सारे अधिकारी हैं जो बिहाइंड द सीन्स जो है हमें हर जगह मदद करते हैं। रविवार की सुबह पूर्वांचल वासी समिति द्वारा मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जहां पर रामलीला मैदान में आरती आयोजित की गई, जिसमें सभी संस्था के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान ये बताया गया कि आज रामलीला मैदान से मूर्ति विसर्जन यात्रा आयोजित की जाएगी, जहां रामगंगा में मूर्ति विसर्जन करने के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। पूर्वांचल वासी समिति के संरक्षक कॉमरेड एमपी चौबे ने जानकारी देते हुए बताया, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन पूर्वांचल वासी संस्था की तरफ से सरस्वती पूजन एवं सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन होता है, उसी कड़ी में कल 5 तारीख को इस राम लीला ग्राउंड के प्रांगण में माँ सरस्वती के पूजन का आयोजन हुआ और उसी कड़ी में शाम को 6 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें मशहूर वर्ल्ड लेवल की गायिका जो कल्पना पटवारी ने यहाँ समा बांधने का काम किया और पूर्वांचल वासी संस्था की जो कार्यकारिणी है, जितना अदम्य और मनोयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया, खास तौर से इस संस्था के अध्यक्ष साथी विवेक ठाकुर, सचिव अमित दुबे और तमाम कार्यकारिणी के सदस्य जिन्होंने रात दिन, परसों तक हम लोगों को उम्मीद नहीं था कि ये कार्यक्रम हो पाएगा क्योंकि मौसम बहुत विपरीत था, लेकिन माँ भगवती की कृपा से कल मौसम इतना सुहाना हुआ कि उस मौसम के वजह से इस कार्यक्रम में और 4 चांद लगने का काम हुआ। तमाम कार्यकारिणी के सदस्यों, खास तौर से के पूर्वांचल का जो युवा कार्यकारिणी है, उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से रातों दिन परिश्रम करके
इस पूरे रामलीला ग्राउंड में जिस तरीके से अव्यवस्था थी मौसम के वजह से, उसको सबको कंट्रोल करते हुए और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के आयोजन का मेन मकसद यह है कि हमारे जो पूर्वांचल की संस्कृति है उसको हम लोग जीवित नहीं रहे, उसका आम समाज में भी उसको हम परिभाषित करने का काम करें, लोगों के बीच में अपने संस्कृति को, जो कि एक बहुत मीठी बोली है भोजपुरी, और वहाँ का जो सांस्कृतिक परिवेश है भाईचारे का, अपनत्व का, पूर्वांचल में अगर गांव में किसी भी बिरादरी का अगर बच्चा है, अगर उस वहाँ बूढ़ा है जवान है, तो उसको चाचा ताऊ करके ही संबोधित करता है। तो एक पारिवारिक माहौल जो वहाँ का है, उसी पारिवारिक माहौल को यहाँ विस्तृत करने के लिए तमाम पूर्वांचलवासी जो यहाँ प्रवासी के तौर पर रह रहे हैं, चाहे सर्विस के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में, या और प्रोफेशनल क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं, उन सब लोगों को हम लोग एक मंच पर इकट्ठा करके, हम लोगों का हमेशा प्रयास रहता है कि पूर्वांचल के सभी आम जन परिवार सहित एक माला की तरह पिरो करके इस मुरादाबाद मंडल में एक अपनी पहचान बनाने का काम करें।